आजकल हेयर फॉल मतलब बालों का टूटना या झड़ना और रिसीडिंग हेयरलाइन यानी कि बालों का धीरे धीरे पीछे की तरफ झड़ते जाना, जिससे आप अपने सर के आगे की तरफ से गंजे लगने लगते हो। और ये समस्या पुरुषों में तो पाई जाती है, लेकिन आजकल महिलाओं में भी ज्यादा होने लगी है। तो आज का ये वीडियो में हम देखते हैं जिसमें इस समस्या का समाधान है। तब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का ये गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं और हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसीडिंग हेयरलाइन और हेयर फॉल की जड़ को समझते हैं। इसका पहला कारण है हेरिडिटी। अगर आपके पूर्वज यानी कि आपके पिता, दादा, परदादा, इनको अगर आप कम उम्र में ही गंजे होते देख चुके हैं, तो दोस्तों आपकी ये समस्या हेरिडिटरी यानी कि अनुवंशिक है। दूसरा कारण है आप आपके बालों की देखभाल के लिए जो तरीके अपना रहे हो, जो प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हो, वो शायद गलत है या आपको सूट नहीं कर रहे, जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं। तीसरा और आखिरी कारण है आपके खाने पीने की आदतें। आप शायद सेहतमंद खाना नहीं खा रहे हैं। आपके बालों को जितना न्यूट्रिशन यानी कि पोषण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और आप रूचे बेजान बालों के शिकार हो जाते हैं और फिर ये बाल भी आपके जड़ से अलग हो जाते हैं। तो हमने समस्या के जड़ को तो समझ ही लिया, अब हमें ढूंढना है इसका हल। दोस्तों इन तीनों कारणों में सबसे आसानी से सुलझाने वाली है आपके खाने पीने में सुधार लाना, यानी कि हेल्दी खाना खाना। जब आप तंदुरुस्त रहोगे तो बालों को भी तंदुरुस्ती मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाइए, घर में बनने वाली दाल, नॉनवेज खाने वालों के लिए अंडे और मछली। फिर दूसरा आसान हल है आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना, बालों का अच्छे से ध्यान रखना, इसे हफ्ते में दो बार जितना हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके शैम्पू करना, बालों को रोजाना तेल से मालिश करना। और सबसे मुश्किल वाली समस्या है हेरिडिटरी। आप शायद इसे बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप सतर्क रह के सावधानी से अपने बालों की देखभाल जरूर कर सकते हैं, जिससे ये समस्या आगे चलकर आप पर इतना असर ना करे। चलो तो इसके साथ ही हम आपको कुछ और ऐसी चीजें बता दें जिसको आपको नहीं करना चाहिए। इसे आप जाने अनजाने में करके आपके बालों को ही खो रहे हो। आप ऑयल का जैसे मसाज करते हो बालों के जड़ तक, वैसे आपको हेयर जेल या हेयर वैक्स को या हेयर सीरम को रूट्स तक नहीं लगाना है। ये आखिरकार केमिकल्स ही है जो जड़ों तक अप्लाई करने से बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और झड़ने का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को अपने बालों में बार बार हाथ डालने और सवरने की आदत होती है। इससे आपके बालों में फ्रिक्शन यानी कि वो आपस में घिसने और रगड़ने लगते हैं, और पीछे की तरफ बालों को बार बार सवरने से बाल पीछे की तरफ झड़ने लगते हैं। टॉवेल को बहुत जोर से नहीं रगड़ना चाहिए, बड़े ही हल्के हाथ से गीले बालों को पोंछना चाहिए, क्योंकि जब बाल गीले रहते हैं तो सबसे ज्यादा आपस में उलझ के झड़ जाते हैं। हेयर ड्रायर का डायरेक्ट इस्तेमाल बिना हीट प्रोटेक्टर सॉल्यूशन अप्लाई किए बगैर बहुत ही अनसेफ होता है बालों के लिए। इससे आप अपने बालों को सीधा रिसीडिंग हेयरलाइन की तरफ ही लेके जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपको बहुत मदद करेगी हेयर फॉल और रिसीडिंग हेयरलाइन की समस्या से बचने में। हफ्ते में दो बार रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को एक साथ मिक्स करके हल्का गर्म करके मसाज करें हल्के हाथों से 10 मिनट तक, और अगली सुबह शैम्पू कर लें। कोकोनट ऑयल हेयर फॉल रोकता है और कैस्टर ऑयल हेयर रीग्रोथ यानी कि फिर से नए उगाने में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये फायदेमंद लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।